देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर हाल ही में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई। वो लखनऊ में आयोजित एक पार्टी में शामिल हुई थी, जिसके बाद इस पार्टी में शामिल हुए लोग आइसोलेशन में चले गए हैं। इस बीच कनिका पर अपनी हालत छुपाने के भी आरोप लगे। बॉलीवुड में भी कई लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने उन्हें जमकर भला बुरा भी कहा। कनिका पर FIR भी हो चुकी है। वहीं अब कोरोना पॉजिटिव कनिका कपूर को लेकर एक और खबर आ रही है। कनिका जिस अस्पताल में भर्ती है, वहां का स्टाफ उनके नखरों से परेशान हो चुका है। खुद डायरेक्टर ने आगे आकर कनिका के बर्ताव के बारे में बताया है। दरअसल कनिका कपूर का ट्रीटमेंट लखनऊ में चल रहा है, अस्पताल उनके बर्ताव से परेशान है। लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर ने कनिका पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो इलाज में सहयोग नहीं कर रही है। डायरेक्टर का कहना है कि कनिका को सभी जरूरी और अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। उनका आइसोलेशन रूम एयर कंडीशन है, जिसमें टॉयलेट है, पेशेंट बेड है और एक टीवी है। उन्हें अस्पताल के कैंटीन से ग्लूटेन फ्री डाइट दी जा रही है। इन सब के बावजूद उनका व्यवहार ठीक नहीं है, उनके नखरे जारी है। वे पेशेंट नहीं बल्कि स्टार्स जैसा व्यवहार कर रही है, जिसके चलते PGI स्टाफ परेशान है। वहीं इससे पहले कनिका कपूर ने भी अस्पताल पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें डॉक्टर्स धमकी दे रहे हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम बिना जांच कराए भागी हो। उस तरफ कनिका का कहना था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया था कि यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं है, पानी नहीं है, मैं परेशान हूँ। बता दें कि लंदन से वापस लौटी कनिका कपूर पर आरोप लग रहे हैं कि वो एयरपोर्ट पर बिना कोरोना जांच करवाए निकल आई थी। इसके बाद उन्होंने पार्टीज अटेंड की, यहाँ वो कई लोगों से मिली। वही पार्टी के बाद जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और जांच कराई गई, तो वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई।